गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा पॉलिनोमियल जो आपकी यूनिट है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं। पॉलिनोमियल आपके जो सेकंड टर्म है उसमें 6 यूनिट है आपके पास। पॉलिनोमियल जो है वो सबसे पहली यूनिट है। पॉलिनोमियल को आप डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression, polynomial is an algebraic expression, polynomial is an algebraic expression that have contained only positive integral power. Only positive integral power including zero positive integral power including zero। ये polynomial की definition होती है बेटा। Polynomials होते क्या हैं? Polynomials is an algebraic expression। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं बेटा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं व्हेन सम कांस्टेंट्स एंड सम वेरिएबल्स इज रिटन टुगेदर यूजिंग एनी ऑपरेटिंग। बेटा जब आप कुछ कांस्टेंट्स को और कुछ वेरिएबल्स को एक साथ लिख देते हैं using any operating, that means आप उनको प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कोई भी साइन आप उनके बीच में यूज करते हैं तो वो फॉर्म क्या कहलाती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। कॉन्स्टेंट से मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है, काउंटिंग नंबर है, 2 है, 5 है, 7 है, पाई है, 22/7, ये कॉन्स्टेंट होते हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज करती है, जिनकी वैल्यू वेरी हो सकती है। तो जब आप कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को बेटा एक साथ लिख देते हैं तो जो फॉर्म बनती है वो फॉर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। पॉलिनोमियल भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है? दैट हैव कंटेन, जो रखता हो, क्या रखता हो, ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। Only positive integral power, यहाँ पे positive integral power से मतलब क्या है बेटा? Algebraic expression में जो भी variable आपके पास use हो रहा है, उस variable की जो power है, किसकी power भाई? Variable की जो power है ना, वो positive integral होनी चाहिए। Positive integral से मतलब है positive integer होनी चाहिए, यानी जो भी variable उसमें use होता है ना, पहला तो उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा उसकी पावर इंटीजर में होनी चाहिए। इंटीजर दैट मींस वेरिएबल की जो पावर है ना, वो एक कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट एक्स की जो पावर है वो 5 है तो ये पॉलिनोमियल हो गया। एक्स की पावर -2 कर दी तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पे तो पावर पॉजिटिव है, यहां पे पावर नेगेटिव है, और वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव आ गई तो वो पॉलिनोमियल आपके पास नहीं होगा। सिमिलरली एक्स की पावर 2 है, ये एक इंटीजर हो गया, ठीक है, भी पॉजिटिव इंटीजर है। अगर एक्स की पावर आपने 1/2 लिख दी तो एक्स की पावर 2 तो पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर 1/2 जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल की जो पावर है वो किस में आ गई बेटा? आपके पास फ्रैक्शन में आ गई, और वेरिएबल की पावर अगर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है भाई। तो कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा पॉलिनोमियल है या नहीं ये चेक करने के लिए आप किसकी पावर देखेंगे बेटा? वेरिएबल की पावर देखेंगे, उसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तब आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अगर आपने लिख दिया x plus 1 by x, तो यहां पे तो x की पावर 1 है,
लेकिन जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आप लिखेंगे x की पावर माइनस 1, इट मींस ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल बताने के लिए बेटा सबसे पहले आपने दी गई टर्म को सिंपलीफाई करना है, और सिंपलीफाई करने के बाद आपने केवल वेरिएबल की पावर देखनी है, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट की पावर पॉजिटिव है नेगेटिव है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, कुछ और एग्जांपल लेते हैं बेटा इसके लिए। आपने लिख दिया सपोज करो y raised to power 2 है माइनस अंडर रूट 2y प्लस 5। इसको चेक करते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं। बेटा y की जो पावर है 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे y के ऊपर अंडर रूट आ गया, y के ऊपर अंडर रूट आ गया, दैट मीन्स y की जो पावर है वो 1/2 होगी, और y की पावर 1/2 होगी, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होगी, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं। नेक्स्ट सपोज करो आपके पास नंबर आ गया x की पावर 3 है, अगर x की पावर 3 है तो ये पॉलिनोमियल है भी, ठीक है, और प्लस में आ गया भी y raised to power 1/3 आ गया, तो यहाँ पे y की पावर कितनी आ गई भी 1/3, तो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है आपके पास। नंबर लिखा गया है 2 की पावर -3/5 प्लस y, बेटा यहाँ पे y की जो पावर है वो 1 है, कांस्टेंट की पावर -3/5 है, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, उसकी पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डेसिमल में या फ्रैक्शन में कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल चेक आपने करना है, और वेरिएबल की जो पावर है वो अगर पॉजिटिव है इट मींस ये कैसा नंबर है, ये पॉलिनोमियल है। क्या है ये पॉलिनोमियल है। अगर सिंपली आपको नंबर दिया गया है डायरेक्टली पूछता है 5 है -1 है -2001 है, is it is polynomial or not? बेटा जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो भी पॉलिनोमियल होते हैं, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो भी पॉलिनोमियल होते हैं, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होते हैं बेटा इनकी डिग्री अगर आपसे कोई पूछे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है भी? 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है भी? 0 होती है। सिमिलरली कोई 0 के बारे में पूछता है इज द 0 इज द पॉलिनोमियल और नॉट, क्या 0 एक पॉलिनोमियल है? देन यस 0 इज ए पॉलिनोमियल, 0 खुद है पॉलिनोमियल, इसको 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन 0 एक ऐसा पॉलिनोमियल है बेटा जिसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होती है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है भी? नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है भाई, तो ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन था। पॉलिनोमियल कौन सी टर्म पॉलिनोमियल होती है, कौन से स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं, चेक करना बेटा इनको, अच्छे से समझना इनको। ठीक है भाई।